हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे लो बैक एक के ऊपर, कमर का दर्द। कमर का दर्द किन किन लोगों में कॉमन है? औरतों में ऑब्वियसली ज्यादा कॉमन है। क्यों? क्योंकि जो लिगामेंट और मसल के सपोर्ट्स होते हैं वो औरतों में थोड़े से वीक होते हैं कंपेयर टू दैट ऑफ मेल्स। लो बैक एक आदमियों में और औरतों में दोनों में कॉमन है, क्योंकि अगर पोजिशनल वेरिएशंस हों तो पोस्चर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लो बैक एक में। प्रेगनेंसी, औरतों में प्रेगनेंसी होती है तो उसके वजह से लो बैक एक औरतों में थोड़ा सा कॉमन हो जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हम मेंशन करें तो हमारे स्पाइन पे, हमारे बैक मसल्स पे और हमारे लिगामेंट्स पे, मांसपेशियों में प्रेगनेंसी के वजह से थोड़ा सा भार पड़ता है। हमारी जो स्पाइन है ऐसी सीधी नहीं होती, एक कर्व फॉलो करती है, जिसके वजह से जो गर्भवती औरत का जो गर्भकोश होता है वो जब थोड़ा सा पीछे की तरफ रेस्ट करता है तो हमारे मसल्स और लिगामेंट्स में थोड़े से स्ट्रेस आ जाता है, जिसकी वजह से लो बैक एक थोड़ा कॉमन हो जाता है। काफी औरतें बोलती हैं कि डिलीवरी के बाद या सिजेरियन के बाद हमारा बैक एक, हमारा कमर दर्द ज्यादा बढ़ गया है। ये भी पॉसिबल है, ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर, जब डिलीवरी हो रही होती है, जो सबसे नीचे की जो बोन होती है, जिसे आप लोग बोलते हो टेल बोन, जो सबसे आखिरी पार्ट वाला होता है, ड्यूरिंग बच्चा जब बाहर निकल रहा होता है उस समय उस पे कई बार अगर सही पोस्चर ना मेंटेन हो या सही तरीका डिलीवरी का ना मेंटेन किया जाए तो उस पे बहुत स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से उसके बाद लो बैक एक बहुत कॉमन हो जाता है। औरतों में अगर हम कमर दर्द को वाइडली डिवाइड करें तो दो कारणों की वजह से हो सकता है। एक तो जेनाइटल कॉज है। जेनाइटल कॉज में कोई भी कारण, आपके अंडेदानी, बच्चेदानी, पेल्विस से रिलेटेड जो भी कारण हो सकते हैं उसमें आ सकते हैं। एक नॉन जेनाइटल कॉजेज है। सो जेनाइटल कॉज में क्या आ सकता है? प्रोलैप्स। प्रोलैप्स मतलब शरीर का बाहर आना। कई औरतें बोलती हैं हमारा शरीर बाहर आ रहा है, उसकी वजह से भी लो बैक एक बहुत कॉमन है। क्रॉनिक सर्विसाइटिस, बच्चेदानी के मुंह में जख्म से हो जाते हैं और सूजन सी आ जाती है, वो भी बैक एक का काफी एक मेजर कारण है। ट्यूमर, कोई अगर बच्चेदानी में अगर ट्यूमर है, पेशाब की थैली में अगर ट्यूमर है, वो भी बाहर देता है, जिसकी वजह से हमें लो बैक एक हो सकती है। एक है क्रॉनिक पेल्विक पेन। क्रॉनिक पेल्विक पेन की वजह से भी लो बैक एक होती है। वो क्रॉनिक पेल्विक पेन हमारा एक जो हड्डी का ढांचा, हमारे कमर, औरतों का जो हड्डी का ढांचा होता है उसके अंदर बच्चेदानी, अंडेदानी, ये सारी चीज होती है। मैं पीरियड्स के पहले, पीरियड्स के बाद अगर पेन रिलेट कर रहा है तो वो ज्यादातर जेनाइटल कॉज के तरफ लो बैक एक हो सकता है या क्रॉनिक पेल्विक पेन हो सकता है। जो नॉन, एक और कारण है जो ऑपरेशन के बाद कईयों को होता है लो बैक एक। ऑपरेशन के बाद क्यों कॉमन हो जाता है? क्योंकि जब हम लेटे रहते हैं हमारे गद्दे एक तरफ झूल जाते हैं तो जो हमारा स्पाइन है वो नॉर्मल पोजीशन अपना नहीं मेंटेन कर पाता। सो उसके जो मसल्स हैं उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, इस वजह से लो बैक एक कॉमन हो जाता है। तो ऑपरेशन के बाद हम उसे किस तरह से बचा सकते हैं? एक तो ऑपरेशन के कुछ समय बाद आप अपना, अगर कंप्लीट बेड रेस्ट लंबे समय तक ना करें, जितना टाइम एडवाइज्ड है उतना समय ही बेड रेस्ट करें। बेड रेस्ट के दौरान, 2-4 दिन दौरान के बाद आप कर सकते हैं, पैर एक साथ नीचे रखें, एक साथ ऊपर हो जाए, लेटे हुए पोजिशन में ही ये कर सकते हैं। दूसरा, अपने कमर के नीचे पिलो इंसर्ट कर सकते हैं, सो दैट कि जो स्पाइन का नॉर्मल कर्वेचर है वो मेंटेन रहे। ये सारा सारे जेनाइटल केस में आ गए। नॉन जेनाइटल कॉजेज में हमारे आ जाते हैं, जैसे अगर हमारे मसल और लिगामेंट का कोई तकलीफ हो। मसल और जो लिगामेंट की तकलीफ अगर हमारे पेशेंट्स को होती है तो ज्यादातर पेशेंट्स बोलते हैं एक जगह पे पेन बोलेंगे या दोनों तरफ पेन होगा, एक सिर्फ कमर हड्डी के बीच में उनको दर्द नहीं होता है, इस कमर के इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ उनको दर्द हो सकता है। और छूने पे टेंडरनेस भी रह सकती है। टेंडरनेस मतलब अगर डॉक्टर जोर से दबाए तो उन्हें दर्द सा महसूस हो सकता है। जो मसल और लिगामेंट का वेयर एंड टेयर है ये ज्यादा उनमें होता है, जैसे जो बहुत मोटे हों, जिनका पेट बाहर निकला हो, जिनका फ्लैट फुट हो, का हमारा जो तलवा होता है उसमें भी एक कर्व होता है, जिनका फ्लैट फुट है उनमें मसल के वेयर एंड टेयर और स्ट्रेस के ज्यादा कारण होते हैं।
सेकेंड इम्पोर्टेंट कॉज है हील्स. अगर आप अपना पोस्चर नहीं अगेन मेंटेन कर रहे हैं, हील्स पहनते हैं, तो एक इंक्लिनेशन आ जाता है जिसके वजह से मसल्स और लिगामेंट्स पे स्ट्रेस आता है, उसके वजह से वेयर एंड टेयर ज्यादा हो सकता है और हमें प्रॉब्लम आ सकती है. सो पोजिशन पोस्चर हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम कभी मेंटेन नहीं करते और जिसके वजह से काफी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं. पोस्चर में एक और चीज ध्यान देने वाली औरतों के लिए ये है कि प्रेगनेंसी के बाद, इमीडिएट बाद, लोग रेस्ट ज्यादा लंबे समय तक आजकल नहीं कर पाते क्योंकि वर्किंग लेडीज होती हैं. हम बच्चे के सामान उठाते हैं जमीन से, भारी सामान उठाने लगते हैं, बच्चे को उठाने लगते हैं, आगे की तरफ बेंट करने लग जाते हैं, सिंक के ऊपर बेंट करते हैं, प्रैम के साथ स्ट्रगल करते हैं लेफ्ट राइट करने का. तो ये सारी चीज हमें, हम उस समय ध्यान नहीं देते, बट इन सब का स्ट्रेस हमारे बैक मसल्स पे आता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के लंबे समय बाद तक हमें एक कमर दर्द महसूस रहता है. सो अपार्ट फ्रॉम मस्कुलर लिगामेंट सपोर्ट्स के अलावा जो कारण नॉन जेनाइटल में है वो है बोनी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. बोन में मतलब अगर हमें डिस्क का प्रॉब्लम है, बोन में किसी बोन में अगर स्पाइन मसल्स में, सॉरी स्पाइन बोन्स में कोई ट्यूबरकुलर है, कोई मैलिग्न, कोई ट्यूमर की प्रॉब्लम है, इन सब सिचुएशन में, या कोई स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है, एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, इन सब सिचुएशन में हम दूसरों से उसे कैसे डिफर करेंगे. जो बोन रिलेटेड कॉज होते हैं वो एक जगह स्थिर होते हैं. पेशेंट बहुत आराम से आके हमें बताएगा मेरे को इस जगह पे दर्द हो रही है, अपनी उंगली से पॉइंट कर देगा कि यहाँ पे दर्द हो रहा है. दूसरा, वो पेन रेडिएट होता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता. वो नर्व रूट्स के वजह से अगर स्टिमुलेट हो रही है, हमारे नर्व नसों में असर पड़ रहा है, तो या तो वो ऊपर की तरफ भागेगा या तो नीचे की तरफ भागेगा. मतलब वो रेडिएट होता है, वो दूसरे मसल्स और लिगामेंट वाले जो पेन हमने अभी बात की है वो एक जगह, उनके जगह एक जगह नहीं रहता, वो रेडिएट हो सकता है ऊपर नीचे कहीं पे भी, पैर में, कमर में और कमर के ऊपर भी हो सकता है. सेकेंड इम्पोर्टेंट कॉज हमारा जो क्या कहते हैं नॉन जेनाइटल कॉज का है वो हमारे किडनी से रिलेटेड हो सकते हैं, कोलोन से रिलेटेड हो सकते हैं, कोलोन मतलब हमारे अंतड़ियों से रिलेटेड हो सकते हैं, बट ये सारे काफी कम रोल प्ले करते हैं. मेजर द लिगामेंट और द बोनी पार्ट ही सिर्फ प्ले करता है. सेकेंड इम्पॉर्टेंट, अगर हम इसे डायग्नोस करने जाएं तो क्या कैसे करेंगे, ये हमारे डॉक्टर्स का काम है. ये यूजुअली अगर हमें कोई बोनी या डिस्क लिजन लगती है तो डॉक्टर आपको एमआरआई बोल सकते हैं करवाने के लिए. अगर कुछ उसमें नहीं आता है या अगर कुछ बोनी प्रॉब्लम उसमें आती है, डिस्क प्रॉब्लम आती है, तो वो स्पेसिफिक कारण बन जाता है, हमें उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा. अगर हमने बहुत सारी टेस्ट करा लिए, ये इन्वेस्ट एक्सरे करा लिया, एमआरआई करा लिया, कुछ नहीं आता है, इन दैट केस वी हैव टू टेक केयर कि हमें अपने पोजिशन का ध्यान देना है, पोस्चर हैबिट्स का ध्यान देना है, अवॉइड वेयरिंग हील्स लेडीज के लिए, अपने हील्स आपको अवॉइड करनी है यूज करने के लिए. कोरसेट, आप अच्छा कोरसेट पहन सकते हो, बेल्ट जिसे आप बोलते हैं, लो बैक के बेल्ट आते हैं, कोरसेट्स आते हैं, वेल फिटेड कोरसेट्स पहन सकते हैं. बैक मसल एक्सरसाइज, बहुत सी यूट्यूब में अगर आप टाइप करेंगे स्ट्रेंथनिंग बैक मसल, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, आपको पता चलेगा, आप वो कर सकते हैं जिससे आपके बैक मसल्स और लिगामेंट्स स्ट्रेंथन हुए और आपको लो बैक एक धीरे धीरे थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा, बैक एक कम हो जाएगा. थैंक यू सो मच.